नमस्कार, आप देख रहे हैं डिश न्यूज। साथियों, 1 अप्रैल 2022 से मिलेगा बड़ा हुआ मानदेय। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, ये खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है और जल्द आदेश जारी हो सकता है। विस्तार पूर्वक समाचार शुरू करते हैं। साथियों, अब खबर विस्तार से। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर आ रही शिक्षा विभाग के माध्यम से। अब क्या 9000 का आदेश जारी हो सकता है? तो साथियों, सूत्रों के हवाले से बताना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है। अगली खबर है, क्या मानदेय 17000 कोर्ट के आदेश का पालन करेगी योगी सरकार? ये समय बताएगा कि क्या आदेश का पालन सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल ये अपडेट आ रही है। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अनुदेशक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, जितने भी संविदा कर्मचारी शिक्षक हैं, वो अपनी मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा मानदेय, हमारा समान कार्य, समान वेतन हमको मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय दो की गुहार लगाते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से योगी सरकार से गरीब अनुदेशकों की सुने सरकार। इस तरीके से हैशटैग अनुदेशक मानदेय 17000, ये टैगलाइन चल रही है इस समय। साथियों, ये खबर वायरल हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, 21 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ जी शपथ ले सकते हैं पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए, और हो सकता है कैबिनेट मीटिंग्स में ये जो भी आदेश होंगे शिक्षकों के हित में, शिक्षा मित्र अनुदेशकों के हित में, वो आ सकते हैं। जो भी उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे वो पूरे हो सकते हैं। और यहाँ पर बताना चाहेंगे, कोर्ट केस के मामले में भी अभी कुछ सरकार ने पॉजिटिव या कह सकते हैं कि सकारात्मक कोई पक्ष नहीं रखा है हम लोगों के लिए, जो सकारात्मक हो, ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कुछ सरकार करे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो कुछ कर भी सकते हैं। अब आपकी असली परीक्षा है, आप सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों की, अपने धैर्य का परिचय देते हुए आगे भी ऐसा ही ऐतिहासिक कार्य आप करते रहें। इसी में हम सबकी भलाई है, आप सबकी भलाई है, क्योंकि हम फिर कहना चाहेंगे, हम एक आदर्श समाज से आते हैं, आदर्श शिक्षक कहलाते हैं, दुनिया को हम ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद ही कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए गलतियां ना करें, किसी पे टीका टिप्पणी ना करें। अगर आपको अपने इष्ट, अपने ईश्वर पे विश्वास है, तो उस पर विश्वास कायम रखें, बनाए रखें, धैर्य रखें, जो भी होगा अच्छा होगा, ये हमारा विश्वास है और यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी प्रार्थनाएँ लगातार जारी हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाए। नई शिक्षा नीति लागू हो रही, ज़रूर होगा। ये थी अब तक की खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।